सत श्री अकाल फ्रेंड्स, कैसे हूँ आप सब। आज मैं लाई हूँ एक ऐसी होम रेमेडी जो उन लोगों के काम आएगी जिनकी गर्दन के पीछे, कोहनी में, घुटनों में या हाथों पैरों में काला काला सा रंग हो गया है। कई बार टैनिंग से भी हो जाता है और कई बार तो ये इतना जिद्दी हो जाता है कि जितना भी मल्ले साफ नहीं होता, पर देखने में ऐसा लगता है जैसे हमने इसको साफ ही ना किया हो। तो इसके लिए ना आप इस वीडियो को पूरा देखें, ये आपके बहुत काम आएगी। तो सबसे पहले लेंगे हम लाल मसूर की दाल। ये लाल मसूर की दाल जो है हमारे घरों में होती है, तो इसको आधा कप मैंने अभी लिया है। तो ये जो दाल है ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं। ये दाल जो है कलर को वाइटनिंग करती है, लाइटनिंग करती है, ग्लो लाती है। तो अभी तो हम इसको हाथों पैरों में ही लगा रहे हैं, तो ये जो मैं स्क्रब बना रही हूँ ना, इसे आप अपने फेस पर भी यूज़ कर सकते हो। तो इस दाल को अभी हमने धोना नहीं है, इसे पोंछ लेना, साफ से कपड़े से या टिश्यू पेपर से पोंछ लेना। पोंछने के बाद अब इसको हमने पीसना है। तो मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। तो मैं आधा कप इसलिए लिया है क्योंकि ये जो दाल है ना, थोड़ी होगी तो मिक्सी में पिसेगी भी नहीं, और साथ में ज़्यादा होगी तो हम इसे पीस के रख लेंगे। तो ये बार बार आप इस्तेमाल कर पाओगे, एक बार बनाया और बार बार इस्तेमाल किया। इसको बनाकर ना आपने इसको छानना जरूर है, यानी स्ट्रेन करना है। तो ये देखिए, ये मैंने छन्नी जो ली है ना, ये दूध छानने वाली, ऐसी ही ले लेना और इसमें छान लेना। तो इसमें छानने के बाद ये देखिए, ये जो पार्ट बच गया ना, ये काफ़ी मोटा मोटा, ये देखिए आपको पास से दिखा रही हूँ, तो ये इतना मोटा है, इसको हम बीच में मिक्स नहीं करेंगे। इसको आप चाहे तो एक बार और दाल को पीस लेना, फिर छान लेना तो ठीक रहेगा, या फिर आप इसको अलग रख देना तो इसका भी स्क्रब बन जाएगा। तो ये यूज़ होगा पैरों की एड़ियों में, क्योंकि वो हार्ड होती हैं। तो बाकी हम इसको हाथों पैरों में या गर्दन के पीछे यूज़ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा ये। तो अब क्या करना है, अब ये छानने के बाद इसमें से मैं ले रही हूँ 2 चम्मच, क्योंकि अभी मैं थोड़ा ही बना रही हूँ, ज़्यादा बनाना ज़्यादा ले लेना। तो ये जो बाकी का बच गया है ना, ये बिल्कुल ठंडा हो, क्योंकि मिक्सी में पीसने से हल्का सा गुनगुना हो जाता है ना, बिल्कुल ठंडा हो तो आप इसे स्टोर कर लेना, किसी भी एयर टाइट बॉटल वगैरह में डाल के ऐसे ही रख लेना, ये ख़राब तो होना नहीं है, तो दाल ही है। तो अब इसमें डाल लेना आप कच्चा दूध। दूध तो हमारे घरों में रोज ही आता है, बॉईल करने से पहले थोड़ा सा निकाल लेना, तो कच्चा दूध ही डालना। कच्चे दूध के भी बहुत फायदे हैं। कच्चे दूध में लैक्टिन, एसिड और प्रोटीन होता है, जो कि ना स्किन को साफ करता है, दाग धब्बों को हटाता है। तो इसको मिला लेना जितना की ज़रूरत हो। देखिए मैं इसको घोल रही हूँ, तो बहुत पतला तो स्क्रब हम यूज़ नहीं करते हैं, तो ऐसा मैंने बना लिया है, 3 चम्मच 4 चम्मच जितना लग जाए। तो अब इसको यूज़ करेंगे, तो मैं आपको ना हाथ पे यूज़ करके बता रही हूँ, अभी हाथ पे कर रही हूँ, बाद में ना मैं आपको यही चीज़ें ना अपने हस्बैंड के घुटनों पर भी यूज़ करके बताऊंगी। तो देखिए अभी आप देख रहे हैं मैं हाथ पे लगा रही हूँ, तो इसको रब करना है जैसे हम वैसे ही स्क्रब करते हैं चेहरे को, तो 2 मिनट 1 मिनट रब करते हैं ना, वैसे ही कर लेना, बहुत तेज़ बहुत हार्ड हाथ से नहीं करना। अगर आप घुटनों पर कर रहे हैं या एल्बो पे कर रहे हैं तब तो थोड़ा हार्ड से भी कर सकते हो, मतलब थोड़ा तेज़ी से भी, और गर्दन के पीछे या हाथों में कर रहे हैं तो थोड़ा हल्के हाथ से करना। 2 मिनट के बाद मैं इसको वॉश करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए आप, सिर्फ मैंने एक बार अप्लाई किया है और 2 मिनट ही लगाया है, रब किया, और देखिए आप मेरे दोनों हाथों में कलर में आपको अंतर दिख रहा होगा। तो अब इसके बाद हमने क्या यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आधा काम तो देखिए हो गया है जो किया है स्क्रब ने, अब इसके ऊपर पैक लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए यूज़ कर रही हूँ मैं बेसन का। बेसन का यूज़ तो हम लोग बहुत पुराने टाइम से, हमारी मम्मियाँ दादियाँ भी करती रही हैं उपटन की तरह, तो बेसन बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। 3 चम्मच मैंने लिया है, अब इसमें दही डाल लेना 2 चम्मच। दही में भी लैक्टिन एसिड होता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, दाग धब्बों के लिए और साथ में पिंपल्स वगैरह हैं तो उसके लिए भी अच्छा है, और स्किन वाइट भी होती है इससे। अब इसके बाद ना इसमें मिला रही हूँ एक ऐसी चीज़ जो कि पिगमेंटेशन है, सनबर्न है, इन सब में बहुत आराम देती है, ये है डार्क सोया सॉस, 1 चम्मच मैंने ली है, जो कि हम खाने में यूज़ नहीं करते, चाइनीज़ खानों में वही है।
तो ये ले लेना है। इसको यूज़ करते वक्त बिल्कुल भी नहीं घबराना कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब मिला लेना 1 चम्मच के करीब गुलाब जल, इससे ठंडक भी मिलती है और खुशबू तो अच्छी आएगी ही। सारी चीज़ें मिला दी तो पैक हो गया है तैयार। अगर आपको ये थिक थिक लगे तो हल्का सा दही और मिला लेना। तो ये तैयार करके ना अब इसको आपने लगाना है। तो देखिए मैं तो हाथ पे लगा रही हूँ, आप इसको अपनी गर्दन के पीछे जहाँ भी आपको कालापन लग रहा है ना, घुटने पे और एल्बो पे या पैरों पे, कहीं भी लगा सकते हो। नहीं, कई बार क्या होता है कि हाथों पैरों में या गर्दन के पीछे सन बर्न हो जाता है या ऐसी मैल है जो कि हमने थोड़ा टाइम ध्यान नहीं दिया, हमारी कोहनी या घुटने काले हो गए, तो वो जिद्दी हो जाते हैं, जल्दी से हटते नहीं। तो उसके लिए ना ये आपको बहुत ही काम आएंगी दोनों चीज़ें, स्क्रब भी करें और ये पैक भी लगाएं। हफ्ते में आप 2-3 बार कम से कम लगा लें शुरू में, तो क्योंकि जब जिद्दी मैल है या सनबर्न है तो वो जल्दी जल्दी हटेगा नहीं। तो आप इसको यूज़ करते रहेंगे ना तो आपको थोड़े ही दिनों में, 10-12 दिन में ही आपको एकदम से लगेगा कि ये मैल थी कहाँ, इतना अच्छा असर होता है इसका। तो मैं अपने हस्बैंड के घुटने पर भी लगा रही हूँ, ये पहले स्क्रब कर देते हैं। 2 मिनट बस मसाज किया और साफ़ किया तो बहुत ही अंतर आया। और पैक लगा दिया, फिर 5 मिनट बाद इसको मैं वॉश करके दिखाती हूँ। देखिए आप, बहुत अंतर आ जाता है, आप बिलीव नहीं करेंगे। अगर आपके घुटनों में या एल्बो में या गर्दन के पीछे कालक सी जम गई है ना, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, बहुत ही अंतर आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।